गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट क्लाइव के मतलब इतिहास के बारे में और रॉबर्ट क्लाइव ने इतिहास में क्या योगदान दिया, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था और इस वीडियो में भी मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव के जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो इम्पोर्टेंट कार्य किए गए, उनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखिएगा, जो वीडियो है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव है, यह है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मतलब नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था और कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। और पहली बार क्लाइव 1757 से 1760 और दूसरी बार है वह क्लाइव 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा था, ठीक है। और भारत से क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया और वहाँ पर इसने 1774 में मतलब आत्मग्लानी से आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में क्लाइव मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बन के आया था और यहीं से उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन है वह प्रारंभ होता है। और 1746 में जब मद्रास अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, तब क्लाइव को सेंट डेविड किले की ओर भागना पड़ता है और यहाँ पर इसे एक सैनिक की नौकरी मिल गई और इस समय मतलब इसको यहाँ पर सैनिक की नौकरी मिल जाती है। और इस समय क्या होता है कि भारत की स्थिति ऐसी होती है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में मतलब कि प्रशासनिक और सैनिक क्षमता मतलब भारत की स्थिति इस समय ऐसी थी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में जिसमें भी प्रशासनिक और सैनिक क्षमता दोनों होंगी वह भारत का विजेता बन जाएगा। अर्थात फ्रांसीसी और अंग्रेजों में कंपटीशन चल रहा था भारत पर राज करने का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि 40 वर्षों में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उसके सूबेदारों के हाथों में आ गया था और इन सूबेदारों में तीन प्रमुख थे। वो देखेगा, एक तो दक्षिण का सूबेदार था जो हैदराबाद का मतलब निजाम था या फिर हैदराबाद में शासन करता था, और दूसरा था बंगाल का सूबेदार और इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और तीसरा कौन था, अवध का नवाब वजीर। और इस समय डुप्ले और क्लाइव के बीच मतलब कंपटीशन था। डुप्ले वह भी एक महत्वाकांक्षी था, कूटनीतिज्ञ भी था, लेकिन इसमें ज़्यादा सैनिक क्षमता नहीं थी। और मतलब जो डुप्ले है, इसको फ्रांसीसी सरकार ने भारत में पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया था। डुप्ले में सैनिक खूबी नहीं थी, ठीक है। और क्लाइव राजनीतिक के और सैनिक दोनों में ही अच्छा था, अतः क्लाइव ने इन तीनों सूबों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को क्लाइव ने अपनी सूझबूझ, चालाकी और कूटनीति से हराया था, ठीक है। और फिर देखिएगा, जो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, इनमें क्लाइव जीतता है और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम से क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की और इन शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त होती है। और अंत में क्या होता है कि द्वैत शासन बंगाल में क्लाइव ने स्टार्ट किया। और फिर क्या होता है कि मतलब जो द्वैत शासन है इसमें क्या होता है कि क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की। इसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी, लेकिन प्रशासन का भार था वह नवाब के कंधों पर था। और जो द्वैत शासन प्रणाली है इसको वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये मैंने आपको एक शॉर्ट रूप में, कहानी के रूप में मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको बताया। और हम अभी इस वीडियो में इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बनाए हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, क्लाइव है वह 1757 से 1760 में पहली बार और दूसरी बार यह 1765 से 1767 तक रहता है, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था।
क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। हमने आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो में अच्छे से पढ़ाया था, तो पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया है प्लासी के युद्ध के बारे में भी, और मतलब इसमें भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के द्वारे खोल दिए थे, मतलब किसने, प्लासी के युद्ध ने। बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव ने अपने दूसरे कार्यकाल में बरार के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाहआलमद्वितीय से संधि की थी, ठीक है। 1764 में बक्सर के ऐतिहासिक युद्ध के समय वेंसी टाट बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाहआलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रखी। और द्वैत शासन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो द्वैत शासन के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो वीडियोस को और हमारी साइट पे पोस्ट भी डाली हुई है, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान वेरेस्ट और कार्टियर बंगाल के गवर्नर रहे। द्वैत शासन के दौरान क्लाइव ने कंपनी के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, ठीक है। और द्वैत शासन का समापन किसने किया था, मैंने आपको पहले बताया है, वो था आपका ओरेन हेस्टिंग्स और 1772 में, क्योंकि द्वैत शासन में कई प्रकार के दुष्परिणाम भी थे, और मतलब इससे जनता में एकदम से अकाल की स्थिति भी आ गई थी, रोष भी आया था जनता में, ठीक है। तो इस व्यवस्था का समापन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। तो देखिएगा, इस वीडियो में हमने क्लाइव के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको क्लाइव के बारे में पढ़ाया है, पोस्ट के थ्रू भी हमने क्लाइव के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो यदि आप लोग हमारे मतलब वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे यदि आप लोग मतलब आएंगे, सर्च करेंगे हमारी चीज़ों को, तो आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इतिहास विषय से संबंधित जो भी एग्जाम्स मतलब लगते हैं उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी, ठीक है।